देश की 17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून यानी कल से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जून से लेकर 26 जुलाई तक चलेगा। इस बार 723 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में थी, जिनमें से 76 संसद पहुंची है। इनमें सबसे ज्यादा महिला सांसद यूपी से होंगी। इस बार 11 महिला सांसद यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगी। इनमें से भाजपा की सर्वाधिक 8 महिला सांसद चुनी गई है। वहीं अपना दल कांग्रेस और बसपा की एक एक महिला प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। बता दें, केंद्रीय कपड़ा मंत्री और अमेठी से भाजपा उम्मीदवार स्मृति ईरानी दूसरी बार अमेठी से फतह हासिल करने में कामयाब हुई है। भाजपा की अन्य महिला प्रत्याशियों में सुल्तानपुर से केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, फतेहपुर से केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, इलाहाबाद से प्रदेश की पर्यटन मंत्री डॉक्टर रीता बहुगुणा जोशी, फूलपुर से केशरी देवी पटेल, धौरहरा से रेखा वर्मा और बदायूं से संघमित्रा मौर्य ने भी चुनाव जीता। मथुरा से हेमा मालिनी ने दूसरी बार भाजपा का परचम लहराया। वहीं कांग्रेस की महिला उम्मीदवारों में सिर्फ रायबरेली से कांग्रेस की संरक्षक सोनिया गांधी ही चुनाव जीती है। मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने दूसरी बार जीत दर्ज की। लालगंज से बसपा की संगीता आजाद ने चुनाव जीता।